हेलो गाइस फ्रेंड, जैसे गाइस मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में कहा था कि जो नया गाइस अपडेट आया था अपना MIUI Pro का 9.7.11 का, उसका रिव्यू दूंगा। तो आज उसका रिव्यू फ्रेंड्स है क्या क्या चेंज हुए। बहुत लोग मुझे कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई बग है इसमें, कि जो भी अगर आप सेटिंग चेंज करते हैं उसके बाद डिफॉल्ट सेटिंग हो जाती थोड़े मिनट बाद, या फ़ोन रिबूट करते तो वही डिफॉल्ट सेटिंग फिर हो जाती तो फिर उनको प्रॉब्लम आ गई। तो गाइस वो बग है, तो उसी बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या इसका एंटी टू है, सब कुछ इसका इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन टेक। तो गाइस जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एज ऑलवेज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करना ही मत भूलना। सब इससे सो फ्रेंड्स, सिस्टम हाथ में पोको F1 है फ्रेंड्स, और MIUI Pro 9.7.11 इंस्टॉल हो रखी है। सो फ्रेंड्स मैंने उसको यूज़ करा और बहुत लोग मुझे गाइस कंप्लेंट कर रहे थे कि भाई प्रॉब्लम बहुत आ रही है, तो इस प्रॉब्लम की वजह से ये इतनी बढ़िया रोम है, और अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी सो द रोम विल नॉट बी कॉल्ड स्टेबल गाइस। तो मुझे एक बंदे ने भी कहा था कि भाई अगर ऐसे प्रॉब्लम आएगी तो स्टेबल इसको नहीं कह सकते, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फ्रेंड्स वो उसकी बात सही थी, और बंदे और मुझे बहुत लोगों ने कहा कि भाई प्रॉब्लम सही में आ रही है, हमने खुद चेक करा है। तो सॉरी भाई, उसको मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तो लेकिन मैंने भी जब चेक करा तो प्रॉब्लम सही में है वो। सो ओके फ्रेंड्स, तो अब डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले परफॉर्मेंस, बैटरी, इन सब के बारे में। सो परफॉर्मेंस तो गाइस ठीक ठाक है, इस बार एंटी टू अच्छा आया है, गिग बेंच कम है लेकिन एंटी टू अच्छा है। सबसे पहले एंटी टू पे चलते हैं फ्रेंड्स, जो आपका एंटी टू का बेंचमार्क है वो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ठीक ठाक है आपका 270952, तो ठीक ठाक है आपका जो आपका एंटी टू आया है। और मतलब क्या, पिछली बार जब मैं आपको गाइस याद होगा जो आपका पिछले वाला बिल्ड था उसमें गाइस आपका एंटी टू आया था, मुझे याद है 264532। सो फ्रेंड्स सॉरी, जो गाइस पिछले बिल्ड का एंटी टू था वो आपको एक बार बताता हूँ, 264532 था जो पिछले बिल्ड का एंटी टू था गाइस। तो इस बार ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस में थोड़ा इंप्रूवमेंट है, लेकिन उधर गाइस आपको प्रॉब्लम इधर ये आ जाती है कि गीक बेंच बहुत डाउन है, बहुत डाउन है फ्रेंड्स। गीक बेंच जो आपका स्कोर होता है परफॉर्मेंस का वो भी थोड़ा डाउन है, लेकिन सिंगल स्कोर है, लेकिन मल्टी स्कोर गाइस 5733 5733 है गाइस, 5733 गाइस। तो थोड़ा यहाँ पे डिसअपॉइंट है 5733, तो थोड़ा गाइस यहाँ पे डिसअपॉइंट है, लेकिन एंटी टू ठीक आया तब भी ठीक है उस हिसाब से। लेकिन गाइस अगर आप बैट मतलब जो आपकी रोम है वो एक स्टॉक सिमिलर है, स्टॉक टू सिमिलर है, मतलब आपकी MIUI है, कहने का मीनिंग गाइस ये है वो MIUI है और वो कोई और थर्ड पार्टी रोम, मतलब थर्ड पार्टी रोम नहीं है, जैसे OS हो गई या कोई कस्टम रोम हो गई, ये गाइस MIUI पे बेस्ड है। तो सिंगल स्कोर मल्टी स्कोर ठीक ठाक आना चाहिए, ये गाइस आप इधर मानते हो कि ये कोई थर्ड पार्टी रोम नहीं है, ये उन्हीं की बेस्ड है MIUI रोम, इट्स बेस्ड ऑन गाइस स्टॉक रोम जो आपकी MIUI है उस पे ही बेस्ड है, ज़्यादा उसमें कोई चेंज नहीं है, जो उसका सिस्टम है वो उसी पे बिल्ड है गाइस, MIUI पे बिल्ड है। तो वहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तब भी कम आया। तो गाइस मैं तो अब थोड़ा मन बना रहा हूँ कि रिकमेंड नहीं करूँ आपको, वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। तो फ्रेंड्स परफॉर्मेंस में मैं इसको 10 में से गाइस अप्रॉक्स 6.5 दूंगा, क्योंकि एंड्रॉइड तब भी ठीक ठाक आ गया, ये तो गाइस इसको कम से कम 3 या 4 मिलता 10 में से गाइस, तो परफॉर्मेंस एवरेज है गाइस। तो गाइस बात करते हैं हम बैटरी की, तो बैटरी भी फटाफट ड्रेन हो रही है, और थोड़ा माना कि चलो फ़ोन पुराना, लेकिन जो आपको वेंडर है लेटेस्ट मिलता है, जो भी लेटेस्ट आर जो अपडेट आया था उसके आगे तो आपको पता है बीटा के अपडेट्स नहीं मिलते हैं, वो कैंसिल हो गए हैं, तो किसी भी डिवाइस को नहीं मिलेंगे। तो वही लास्ट बीटा का अपडेट था जो वेंडर का अपडेट था, उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको आपको पता कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बैटरी ठीक ठाक है। मैं 10 में से गाइस बैटरी को भी इतना ही दूंगा, 5.5 या 6 एवरेज है गाइस, जो हमेशा कहता हूँ कि इस जो MIUI Pro है इसकी बैटरी एवरेज ही होती है, बट एज़ कम्पेयर टू अदर कस्टम रोम्स गाइस थोड़ी ज़्यादा होती है उन गाइस, क्या बोलते हैं उन कस्टम रोम्स की, तो वो थोड़ा एक्सपेक्टर है कि फ्रेंड्स वहाँ पे आपको मैं आपको रेटिंग भी दूँ तो गाइस 10 में से 7.5 या 8 दूंगा, क्योंकि कस्टम रोम्स की बैटरी ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर आप स्टॉक पे भी जाओगे ना तब भी आपको अच्छी बैटरी नहीं मिलेगी, इफ़ यू आर गोइंग गाइस ऑन स्टॉक ऑन MIUI Pro मी रोम और MIUI MS यू विल गेट गाइस एवरेज बैटरी बैकअप। तो उधर हम यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते, आपको ठीक ठाक बैटरी बैकअप ही मिलेगा, बट इफ़ यू आर गोइंग ऑन कस्टम रोम यू विल गेट अ गुड एंड स्टेबलनेस बैटरी बैकअप गाइस, तो वहाँ पे ठीक है। तो बैटरी में गाइस ठीक ठाक एवरेज है, परफॉर्मेंस का मैंने एवरेज दिया है। तो गाइस अब बात करते हैं बग की। बग फ्रेंड्स जो आपको पहले यहाँ पे फेस हुआ है, इफ़ यू आर चेंजिंग अ सेटिंग, एग्जांपल आई एम चेंजिंग अ सेटिंग ऑफ नोटिफिकेशन बार,
एंड आफ्टर सम टाइम और आफ्टर अ वाइल द सेटिंग विल बी रिप्लेस्ड बाई डिफॉल्ट सेटिंग गाइज। तो ये यहाँ पे आपको बग फेस हो रहा है, वो बहुत बंदों ने कहा कि भाई अगर हम कोई भी, जैसे हम यहाँ पे नोटिफिकेशन की स्टेटस बार की सेटिंग चेंज करते हैं और थोड़ी देर बाद देखेंगे या हम अपना फ़ोन रिबूट करेंगे, वही सेटिंग रिप्लेस हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट गाइस, जो डिफ़ॉल्ट की सेटिंग्स थी उसके वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। तो ये बहुत गंदा बग है फ्रेंड्स। तो इस फिर कोई मीनिंग नहीं हुआ इस रोम का गाइस, कोई मीनिंग नहीं हुआ। आप अगर इसको इंस्टॉल करो कोई मीनिंग नहीं है, फिर इससे आप OS पे चले जाओ, वहाँ पे भी बैटरी बैकअप ठीक है लेकिन एवरेज नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा ज़्यादा कहूँगा एज़ कम्पेयर टू ऑल MIUI रोम्स गाइस इंक्लूडिंग स्टॉक ऑल्सो। तो फिर इस रोम का कोई मीनिंग नहीं है अगर गाइस आपको ऐसे बग मिलेंगे। तो मैं तो गाइस थोड़ा फिर अपना, क्योंकि मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, सो डोंट इंस्टॉल दिस रोम फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स सॉरी, थोड़ा स्टैंड हिल गया था, ट्राइपॉड हिल गया था, सॉरी गाइस। तो फ्रेंड्स मैं यही आपको फिर रिकमेंड करूँगी, सो गाइस डोंट गो फॉर दिस MIUI प्रो गाइस रोम ऑन आर पोको F1 फ्रेंड्स। इट्स नॉट स्टेबल। इफ़ यू आर फेसिंग दिस टाइप्स ऑफ बग्स गाइस, तो इसका कोई मीन नहीं है फ्रेंड्स, इट्स नॉट स्टेबल रोम। तो आप मुझे, बहुत लोगों ने कहा भाई फिर इस रोम का कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप ऐसे, आपको बग मिलेंगे कि अगर आपको सेटिंग चेंज कर रहा हो, दोबारा सेटिंग डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो फिर क्या मीनिंग है इस रोम का? वो बग ही पता नहीं ऐसा कैसे पैदा हो रहा है सिस्टम में। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये बनी पोको F1 के लिए, कोई GSI नहीं है जो हम कहें कि बग्स आर डिपेंड ऑन फ़ोन और वेंडर। यहाँ पे भी फैक्टर नहीं है कि अगर आप ये कहो तो, ये उसी की रोम और पोको F1 की है। तो गाइस थोड़ा तो क्रिटिसाइज़ करूँगा मैं इस चीज़ में कि ठीक ठाक नहीं है, थोड़ा ह्यूमिलिएट करूँगा फ्रेंड्स जो डेवलपर है, उन्होंने सही काम नहीं करा, लोग पैसा खर्च रहे अगर आपको ऐसी चीज़ मिलेगी। सो फ्रेंड्स इट्स नॉट गुड। तो गाइस मैंने आपको पूरा परफॉर्मेंस का दे दिया, बैटरी का दे दिया, बग का बहुत बग्स है इसमें, पता नहीं क्या क्या। कभी कभार आपका नीचे का नेविगेशन बार चला जाता है, और मैंने तो अब चलो वो फुल स्क्रीन डिस्प्ले वाला ले रखा है, पूरा नेविगेशन बार ही चला जाता है, पता नहीं क्या बग्स है। ख़त्म है गाइस, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, पर ना फिर इसके मैं अपडेट्स लेके आऊँगा। अगर वो आप पे डिपेंड, अगर आप अपडेट्स लेके आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं लेके आऊँ तब मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना यस और नो। फिर कोई गाइस इस रोम का मीनिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अगर वीडियो नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक कर सकते हो। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो गाइस। और मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, अगर ऐसी चीज़ आपको मिलेगी, ऐसे बग मिलेंगे, तो गाइस दिस रोम इज़ यूजलेस। तो आप पे गाइस डिपेंड है, अगर आपको पसंद है तो आप चलाओ, नहीं पसंद है सो डोंट गो फॉर इट गाइस। इन माय ओपिनियन डोंट गो फॉर इट गाइस, इफ़ यू आर गेटिंग दीज टाइप्स ऑफ बग्स डोंट गो फॉर इट, रिजेक्ट दिस रोम गाइस। तो कोई फ़ायदा नहीं है इस रोम का, अगर आप, मैं फिर वीडियोस भी लेके नहीं आऊँगा गाइस अगर ऐसे मुझे बग्स मिलेंगे, तो ऐसे आप कंप्लीट करोगे तो सॉरी फॉर डैट गाइस। और वीडियो पसंद है तो गाइस आपको बोल ही दिया। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे इन फ्यूचर, धीरे धीरे अपडेट्स मिल रहे हैं, वहाँ पे भी ट्राई करूँगा। अगर कुछ भी आपको पूछना है यू कैन आस्क मी इंस्टाग्राम ऑल्सो, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके गाइस बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। एंड फ्रेंड्स इंस्टॉलेशन की वीडियो MIUI Pro की लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग टेलीग्राम। ओके फ्रेंड्स बाय।